सब्जी खरीदने सर प्याज खरीदने आए हैं 80 रुपए किलो जो बता रहे हैं प्याज, इतना सरकार ने रेट बता रखा है, बंदा क्या खरीदेगा आज के दिन? ये 200 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला बंदा जो 80 रुपए प्याज लेगा तो बताओ फिर का क्या खाएगा भाई? सरकार को जी बताएंगे जी, गरीब बंदे सोचो कुछ रेट कम करो और कुछ दिहाड़ियों के पल्ले पड़े कुछ गली कुछ लेकर जाए कुछ। ये आदमी 200 रुपए कमाने वाला कला प्याज ही खाएगा? और अब 100 रुपए किलो प्याज हो गया, 2-4-5 किलो ले जाते हैं उसी से काम चलाते हैं। महंगाई तो हर एक तरफ इतनी बढ़ती जा रही है कि पूछो ना। तो ग्राहक परेशान नहीं करते? करता है जी, ग्राहक क्यों नहीं करता, कहता प्याज तो उसकी जगह मुझे चलाते। वही ग्राहक को माल कम मिलता है, वही ग्राहक को हमारे को माल कम देना पड़ता है। तो इससे कुछ दुकानदारी फर्क पड़ रहा है? दुकानदारी बहुत फर्क है सर, बहुत ज़्यादा फर्क है। कस्टमर वो चीज़ चाहता है, ये चीज़ मिलती नहीं है, हम भी कहाँ तक पूरी करेंगे? लेबर के चार्जेस हैं, दुकान के चार्ज किराए पे है, उसके बाद महंगाई इतनी हो गई है, क्या कहेंगे। प्याज का रेट बहुत ज़्यादा है अभी यहाँ पे, कई जगह पूछा तो 90 था और 80 रुपीज़ मिला अभी तो एक किलो लिया है। तो ये कि जो ग्रेवी वाली चीज़ें मिलती बनती हैं उनमें तो ज़रूरी है डालना प्याज, पर उसमें भी हमें सोच के डालना पड़ता है कि पहले आप डालते थे कितना भी डाल लो, पर अब सोचना पड़ता है कि नहीं थोड़ा डालो क्योंकि ज़्यादा चला रहा है, क्योंकि इतने में ही पहले 5 किलो मिलता था उतने में अब 1 के जी मिला, तो फर्क तो प्याज का आपको उसका ऑर्डर दे क्या खाऊंगे? क्या रेट दे रहे हैं प्याज? 100 रुपये किलो, कोई 120 कह रहा है, कोई 110 कह रहा है, बस प्याज का कोई वो नहीं है जी। क्या फर्क पड़ रहा है सोई में? क्या फर्क पड़ रहा है इस प्याज सोई में? तो पता रहा थी लहसुन का भी बहुत महंगा, प्याज भी सब्जियां भी महंगी थी, क्या खाऊँ गरीब लोग। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम प्रतिमान सस्ती सस्ती चीजें करो, सस्ती चीजें मांगी थी हम खाएंगे, लेने क्या पेट भरना, गरीब आदमी है।